तैयार हो चुकी हैं। आज 15 अगस्त है तो नैन्सी स्कूल जा रही है। क्या है नैन्सी आज तुम्हारा? सॉन्ग नैन्सी का सॉन्ग है, गाना है नैन्सी को, इसलिए दिखा रही हूँ इसे। नैन्सी पूरा फुल बढ़िया 15 अगस्त वाला यूनिफॉर्म पहनी है, अब जा रही तैयार होके स्कूल। गोलू नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी 15 अगस्त। तुम नैन्सी से मिल लीजिए, नैन्सी स्कूल जा रही है। नैन्सी कुछ बोल दो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और नैन्सी पूरा नया नया जूता भी आज पहनी है, कल लेके आई थी तो इनके पहले बड़ा हो गया, पहले बड़े मुश्किल से लेके आए, फिर बड़ा हो गया, फिर दोबारा से हम लोग गए वापस करने। अब जाओ, लेट हो रहा है। सुनो नैन्सी, मेरे यहाँ पे नेल पॉलिश लगा रही है, बेकार से ना लगाओ नैन्सी, अच्छे से लगाओ। ये बेकारी कर रही हो नैन्सी तुम, पहले से यहाँ पे पता नहीं क्या काला काला है। हाँ, नेल पॉलिश ग्रीन लगाई थी, उसके बाद फिर ऑरेंज लगा लिया ऊपर से, तो ऐसी हो गई। मैं छुटाती नहीं, उसी के ऊपर ऊपर से लगाती रहती हूँ, और जब मोटी हो जाती है एकदम से तो अपने आप वो निकल जाती है। तो नैन्सी मेरे मेहंदी वो लगा रही, नेल पॉलिश लगा रही हैं। ये कुछ बनाई थी, कौन थे नैन्सी ये? कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई थी, श्री कृष्ण जी की, जो कि बहुत साफ से दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए। देख रहे, देख रहे। लगाओ नैन्सी, अलग अलग ना लगाओ, एक ही जैसे लगाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसे। सो ये है नैन्सी जो इंडियन बनी बैठी हुई हैं आज 15 अगस्त के। पूरा नेल पॉलिश वगैरह सब दिखाओ, कैसी वैसी लगा रखी है नेल पॉलिश दिखाओ। नहीं दिख रहा, ऊपर करो पूरा, वैसे पूरा झंडा बना रखी है हाथ में, झंडा स्कूल गई थी तो झंडा इनको मिला है, तो झंडा भी पूरा लगा रखी है सेफ्टी पिन से, नहाई वहाई अभी दोबारा से आके। और मेरे नील पॉलिश लगाई पूरा बेकार सी, पता नहीं कौन कौन सी कलर, ऑरेंज, लाइट ग्रीन और पिंक, पता नहीं कैसा कैसा कलर लगाई, रेड का येलो दिख रहा है, समझी में नहीं आ रहा क्या लगाई है हाथ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो आज इतनी तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रही इतनी तेज़ वाली, सुबह से इतनी तेज़ आंधी आ रही कि कुछ पूछो ना। आज मेरा फास्ट है सोमवार का, क्योंकि मैं सावन का सोमवार शुरू करी थी रहना, तो 4 सोमवार सावन में थे, तो मैंने फिर पूरा ही मतलब सोच रही हूँ कि अब रखूँ, हफ्ते में एक फास्ट रखना चाहिए, तो अभी तक नहीं रखती थी। अभी मैंने सोचा कि अब एक फास्ट रख लूँ, मतलब हफ्ते में एक बार एक व्रत रखना चाहिए। तो ये नैन्सी स्कूल से आ चुकी हैं, ये कुछ खाने वाने के लिए ढूंढ रही हैं, अभी इनको भूख लगी, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो आलू बॉयल के लिए रखा है, इसको फ्राई करूँगी। और मूँगफली मैंने पीनट्स भून के रख दिया है, और टमाटर अभी पता नहीं है कि नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी गोलू आलू लेने गए थे और टमाटर मैंने नहीं मंगाया, फ्रिज में नहीं है टमाटर, तो अगर अब मैं दोबारा भेजूंगी गोलू को तो गोलू अभी पूरा हाइपर हो जाएंगे बिल्कुल से, क्योंकि अभी छील रही हूँ, रुक जाओ ना, हो जाने दो आलू, 2 मिनट रुक जाओ, तभी हम छील देंगे, बना देंगे, नैन्सी सैंडविच बनाएंगी। आलू बस मुझे 2 दे देना, वैसे वो मैं पहले हो जाए ना, क्योंकि अभी अभी आलू तुरंत ही तो रखा है, हो जाए। चिली फ्लेक्स डालूंगी, थोड़ा सा मसाला डालूं, ज्यादा ना डालना चिली फ्लेक्स, नुकसान करेगा, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा। तो नैन्सी जा रही है सैंडविच बनाएंगी। और आज मैंने ये साड़ी कैरी करी है, आप लोग बताइए कैसी लग रही है। एक मैंने ब्लू साड़ी एक दिन और पहनी थी, तो मैंने ये साड़ी आज पहनी है, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। ऐसी मैंने एक दिन और ब्लू साड़ी पहनी थी, वो दूसरी थी, वो कॉटन में थी, ये थोड़ा जॉर्जेट शिफॉन पता नहीं क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा वैसे मतलब नॉर्मल नहीं है पहनने में, थोड़ा अजीब से गड़ गए जैसे, लेकिन अच्छी लग रही है मुझे, तो आप लोग बताइएगा कैसी लगे। ब्लाउज में डोरी नहीं लगी थी, तो ब्लाउज पूरा बार बार ऐसे ऐसे हो जा रहा था, तो अभी नैन्सी ने दूसरे ब्लाउज की डोरी इसमें लगा ली है, एडजस्ट करके अभी ऐसे लगा दिया है, बाद में फिर मैं सही करा लूँगी। चलो और
सो यहाँ पे नैन्सी सैंडविच बना रही हैं, ब्रेड रखा हुआ है दोपहर में, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, मुझे सर्दी हुई है, तो आलू बॉयल में थोड़ा सा मसाला ऐड करी है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा नमक डाल के, जैसे कुछ नहीं रहता तो आप टेम्परेरी इसको टिफ़िन में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, और घर में भी छोटे बच्चे आराम से इसको कोई भी खा सकता है, अच्छा लगता है। और प्याज कट किया है, टमाटर नहीं था तो सिर्फ प्याज कट किया है, सॉस भी नहीं था तो बस ऐसे ही बना रहे नॉर्मल। तो अभी इसको मिक्स कर लिया, अब इसको ब्रेड में लगाएंगे, बीच में आलू भरेंगे, दूसरा ऊपर से ब्रेड रखेंगे, उसके बाद इसको सेकेंगे तावे पे अच्छे से, उसके बाद नैन्सी इसको आराम से खाएंगे। जैसे बच्चों को देना चाहें आप तो आराम से दे सकते हैं, कोई मतलब नुकसान वाली चीज़ इसमें नहीं है। आलू बनाने जा रही हूँ, आज मेरा फास्ट, मैंने आपको बताया ही था कि मैं मंडे जो सावन का रखती थी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, अब मैं उसको मतलब हर मंडे रखूँगी ऐसे ही। तो अभी मैं आलू बॉयल करके रखा हुआ है तो तड़का लगाऊंगी। मैंने कोई रेसिपी यहाँ पे नहीं शेयर करी है, मैं अपने लिए फ्राई आलू ऐसे ही व्रत के लिए बना रही थी तो आप लोग के साथ शेयर कर दिया, इसमें कोई रेसिपी नहीं है। अभी मैंने इसमें जीरा डाला है और सूखी लाल मिर्च डाली है, ये आलू बॉयल करके रखे थे, टमाटर नहीं थे मेरे पास तो आज मैंने टमाटर नहीं डाला, क्योंकि मुझे टमाटर डाला अच्छा लगता है, तो टमाटर थे भी नहीं, बारिश हो रही थी तो मंगाया भी नहीं मैंने। तो चलिए एंजॉय करिए। क्या हुआ, नैन्सी खाना खा रही हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।